बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत पिलो है, प्लेटेड पिलो। इसे बनाने के लिए हमने ये क्रॉस कपड़ा लिया है, एक तरफ से सीधा है, एक तरफ से क्रॉस है। यह हम मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं, 7 इंच चौड़ाई है ऊपर की तरफ। अभी हम लंबाई चेक कर रहे हैं इसकी। ₹43 लंबाई है और 3.5 चौड़ाई है नीचे की तरफ से। तो इस तरह 3 इंच का क्रॉस है ऊपर से नीचे तक। हमने इसमें चारों ओर इंटरलॉक कर लिया है। और ये जो प्लेट है स्टील की, उसके मेजरमेंट से हम ये प्लेट ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तक सुई लाएंगे और ये स्टील की प्लेट है, वहाँ से कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ेंगे। यानी करीब करीब 1 इंच की प्लेट ले रहे हैं हम। एक एक इंच की प्लेट लेते जाएंगे। आप चाहे तो चौक से लाइन कर लीजिए, और हमने स्क्रू के पास से प्लेट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से ले रहे हैं। 1 इंच बराबर आ रहा है। तब इस तरह निशान उठा लीजिए। तो एक बराबर प्लेट आएगी और बहुत खूबसूरत लगता है। 15 इंच लंबाई तैयार हुई है। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम प्लेट बना लेंगे। हल्का सा कपड़ा क्रॉस रखेंगे, जो हमारी कटिंग क्रॉस है, और प्लेट एक बराबर बनाएंगे। आप चाहो तो प्रेस करके सेटिंग करके बना सकती हो। एक बराबर प्लेट आनी चाहिए। और ये आसानी से हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी 15 इंच रेडी हो गया। ये देखिए, यहाँ से ये 15 इंच कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम 4 पीस रेडी कर लेंगे और इसको छोटे के साथ बड़ा हिस्सा रखकर सीधी साइड से हम सिलाई कर लेते हैं। इसमें एक प्लेट ऊपर की साइड और एक प्लेट नीचे की साइड आएगी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये हमने जोड़ दिया। इसी तरह दूसरा हिस्सा भी आपस में दोनों को जोड़ देंगे। बड़े हिस्से के साथ छोटा हिस्सा रखकर हम सिलाई कर देंगे। इसमें भी एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे की तरफ आएगी। हमें सभी कपड़े में चारों ओर इंटरलॉक कर लिया है। फिनिशिंग अच्छी आती है, धागे नहीं निकलते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा खोल करके सिलाई मार सकते हो। हमने जो बनाए दोनों रखकर इसके पर हम लेस, पट्टी या फिर कोई प्रिंटेड कपड़े की 2 इंच की 1.5 इंच की बॉर्डर काट कर लगा देंगे। ये हमने प्रिंटेड कपड़ा काट कर लगाया है, जो लेस की तरह दिखता है। ये बहुत खूबसूरत कपड़ा था जो हमने कटिंग करके इसमें इस्तेमाल किया है। आप लेस भी लगा सकते हो, रिबन लगा सकते हो, सैटन रिबन। ये रॉयल लुक लगता है, ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। आपके पास भी ऐसा प्रिंटेड कपड़ा हो तो लगा सकते हो। ऐसे दोनों कपड़ा रेडी कर लीजिए, जो हमने जॉइंट मार के रखा है।
इस पे भी लगा दीजिए। इसी में से हमने काटा था बीच में से आधा आधा। अब ये पूरा 3 इंच का पट्टा रखिए और इसके माप से कट कर लीजिए और यहाँ पे स्टिच करें। अब ज़रूर बने, ये बहुत खूबसूरत लगता है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया हमने, अब इसके साथ ये दूसरा पार्ट हम जोड़ेंगे। यहाँ से फोल्ड करके दूसरे हिस्से पे किनारे पर रखकर सिलाई लगा लेंगे। ये दूसरी साइड है, इस पर भी हम इस तरह सिलाई कर लेंगे। ये बीच में किया, ये किनारे पे करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पे और एक डबल सिलाई मार लीजिए। 1.5 सेंटीमीटर दूर जितना कपड़ा बचा है वहाँ पे सिलाई मार लीजिए। ये देखिए, ये फ्रंट साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये नीचे ऊपर की साइड भी इस तरह कपड़ा जोड़ दीजिए। ये 3-3 इंच का कपड़ा लिया है हमने। यहाँ पे किनारे की सिलाई कर लीजिए। अब ये जो बैक साइड का कपड़ा है ये हम जोड़ रहे हैं। जहाँ से हम तकिया डालते हैं, पिलो के ऊपर पिनाते हैं, वो हिस्सा है। ये हमने एक कपड़ा जोड़ दिया है और इस पर ये दूसरा रखेंगे छोटा हिस्सा। ये 10x15 का पीस है जो पहले हमने सिलाई कर ली है, वो 22x15 का पीस था। 25 था जो हमने आजू बाजू सिलाई की, तो 22 रेडी हो गया। अब दूसरी साइड जोड़ लीजिए और ये नीचे साइड जो है ये एक्स्ट्रा पट्टी हमने लगाई है, उसको बीच से फोल्ड करें दोनों तरफ और यहाँ सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह दूसरी तरफ भी जोड़ दीजिए। ये हमने जोड़ दिया है, इसको हम सीधा करेंगे। इसके कोने अच्छे से सेट कर दीजिए इस तरह। अब हमें 15 इंच रखना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर दूर हमें सिलाई लगानी है। ये बहुत खूबसूरत साइड बॉर्डर रेडी होती है। हम सिलाई लगा देंगे 2 सेंटीमीटर पे, यानी 1.25 इंच। आगे पीछे कपड़ा सही करते जाइए और सिलाई लगा दीजिए। ये बॉर्डर दोनों तरफ दिखती है, आगे पीछे। इसी तरह दूसरी साइड भी लगा दीजिए।
ये राजस्थानी स्टाइल पिलो है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप भी बनाइए, आपको ये पैटर्न कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, तो आप ज़रूर बनाइए। अल्लाह हाफिज़।